तो देखो गाइस, मैंने ये वाला सूट सिला है, नायरा कट वाला। तो बताना अच्छा लगा या नहीं लगा। बाजू भी सिली है, अब बाजू भी अपने आप ही, बाजू में डिजाइन डाला है, यहाँ डोरी लगाई है। और ये देखो कितना प्यारा सिला है पैंट वाला, और घेर भी देखो काफी अच्छा है। देखो भाई, कोई कमी हो तो बता दो ना कि भाई सूट में कमी, सिलने में कोई कमी करी है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये सूट मैंने खुद ही सिलाया, दिखाया मैंने अभी आपको। अगर जिसमें कोई कमी हो तो प्लीज़ बता भी दो ना। और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डुग्गल फैमिली। और हमारे जो भी नए लोग जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो और शेयर करो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा सूट कैसा सिला है। वैसे तो मैंने बहुत अच्छा सिला है, अपने से तो सभी अच्छे सिलते हैं। मेरी नंद का भी बड़ा प्यारा सूट सिला है, ये देखो लेस वेस लगा के मार्केट में। भैया टेलरों के मुंह इतने फट रहे हैं, बहुत फट रहे हैं। ये सूट सिलवाया, सिलवा लिया ना तो 700-800 रुपये लेंगे। तो भैया मैं तो पता करके आ गई थी बस कि भैया कितने लोग हैं, तो उन्होंने कहा 700 रुपये। मन का ठीक है, मैं खुद घर में ट्राई करके देखती हूँ। तो घर में ट्राई करी, अच्छा सिला बुरा सिला, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर भी किया। तो आप लोग बताना कि भाई कमेंट करके कि अच्छा सिला है या नहीं सिला है। वैसे तो बहुत प्यारा लग रहा है, देखो मैंने पहली बार ये वाली बाजू बनाई है, ये कट वाली। वैसे तो मैं बना लेती हूँ सारी बाजू अब खुद, अच्छी लग रही है ना। इस पे छोटी सी ये लेस है ना, ये भी बड़ी प्यारी लग रही है वैसे, है ना, बहुत प्यारी लग रही है। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, और आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा सूट कैसा सिला है, ठीक है। तो गाइस मैं बना रही हूँ आज बैंगन और चने की दाल। तो पहले डालूंगी हींग, फिर डालूंगी जीरा, और फिर डालूंगी थोड़ी सी सौंफ, और ये थोड़े से भुन जाएंगे। ये देखो ये थोड़े से भुन जाएंगे ना, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, क्योंकि भाई चने की दाल ना थोड़ी हार्ड होती है ना, तो इसीलिए उसको कुकर में एक सीटी देनी जरूरी होती है, इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। ठीक है जी, अभी मसाला भुनना है। मसाला भुनने के बाद ना फिर इसमें बैंगन छोड़ दूंगी, बैंगन छोड़ने के बाद फिर दाल डालूंगी, क्योंकि बैंगन तल लो ना तो घुट जाते हैं, इसीलिए फिर इसमें स्टीम दे दूंगी, सीटी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने दाल भिगोई हुई है ना इसीलिए, तो स्टीम दे दूंगी बस, सीटी दूंगी ना तो ये पूरे घुट जाएंगे। यहाँ से रोक दिया, यहाँ से रोक दो। तो भाई अभी मसाला है ना भुन चुका है, देखो भुन गया है ना। अब इसमें मैं डाल देती हूँ बैंगन, क्योंकि मसाला जो है ना देखो अच्छे से लगने लगा है ना। अब इसमें बैंगन डाल देती हूँ थोड़ी सी देर, बैंगन फ्राई करके। और अगर जो इसमें खट्टे हल्का खट्टापन चाहिए तो थोड़ा सा अमचूर भी डाल लो, जिसके पास अमचूर ना हो वो टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा दो, क्योंकि हल्के खट्टेपन के लिए किसी किसी को अच्छे भी लगते हैं खट्टे। देखो भाई, तो देखो भाई बैंगन भुन चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, मसाला जो है इनमें रम चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी दाल, तो इसमें डल रही है दाल, जो कि दाल भी जो है थोड़ी सी फ्राई, दाल में भी फ्राई होके थोड़ा सा मसाला जो है रम जाए, इसीलिए भाई दाल भी फ्राई कर लो। और मैं इसे थोड़ी देर चला के ना हल्का सा पानी डाल के बंद कर देती हूँ। मसाला जो है ना हमारा देखो कितने अच्छे से भून चुका है। और भाई जिसको भी चने की दाल और बैंगन की सब्जी खानी है
आ जाओ टेस्ट लो, नहीं तो देख के ही टेस्ट लो और अपने घर पे बनाओ और खाओ। तो ये देखो बैंगन की सब्जी जो है बन चुकी है हल्की तरी वाली और बड़ी टेस्टी बनी है। मम्मी धनिया लेने गई हुई है, अभी धनिया डालूंगी सब्जी में। और जिसको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट करके बता दो ना भाई मेरी सब्जी कैसी लगी आप लोगों को, और आ जाओ ना आप भी खाओ ना, ठीक है। तो बाय और नमस्ते जी सबके लिए, तो बाय टाटा। दिया उसको डाल दे डाल, इसमें मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन कुटा हुआ, पेस्ट नहीं कुटा हुआ डाल दो, थोड़ा सा ब्राउन कर लूँ इसे, थोड़ा सा ब्राउन कर लूँ, ये ब्राउन हो जाएगा ना तो इसमें मसाले छोड़ दूंगी। और देखो मसाले में नमक है, सब्जी मसाला है, सूखा धनिया है, हल्दी है, मिर्च है और कसूरी मेथी है और हींग जीरा सौंफ इसमें डल चुके हैं और प्याज भी और अदरक लहसुन भी, क्योंकि कच्चा रह जाता है ना तो फिर उसकी महक अच्छी नहीं लगती, इसीलिए अब इसमें डालेंगे ये मसाले। तो भैया मसाले डल चुके हैं और इसमें एक कटेगा टमाटर, सीधी सिंपल सी रेसिपी है सभी बनाते हैं, मेरा मन किया तो मैंने शेयर कर ली, आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कोई कमेंट करके बता देना भाई कैसी बनी हमारी सब्जी, हम सब्जी भी जब बन जाएगी तो सब्जी भी शेयर करूंगी।